इस वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। यहाँ पर मैच हो रहा है ललीगा ईए स्पोर्ट्स लीग का, रियल मैड्रिड वर्सेस एएलए के बीच 1 बजे। एंड बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जो। और गाइज, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो रियल मैड्रिड एंड एएलए में हम लोग फेवर करेंगे रियल मैड्रिड को। लास्ट मैच रियल मैड्रिड का ग्रेनेडा जैसी टीम के साथ हुआ था, जिसमें इन्होंने अपने मेन प्लेयरों को जगह नहीं दी, और वो अच्छी चीज़ थी कि इन्होंने उनको रेस्ट दिया। इन्होंने विनीकियस जूनियर को नहीं खिलाया, इन्होंने जूड बेलिंगम को नहीं खिलाया, इन्होंने आर गोस को नहीं खिलाया। तो अच्छी बात है, रियल मैड्रिड के मेन प्लेयरों को आराम मिल गया एक मैच में, वो बिल्कुल नहीं खेले, सिर्फ देख रहे थे मैच। और एएलए भी कोई बड़ी टीम नहीं है, मुझे लगता है आज भी शायद ना दे, लेकिन चांस देना चाहिए। मैं तो वो टीम बनाऊंगा जिसमें उनको चांस मिले, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल के बारे में आपको बता चुका हूँ, सीधा चलते हैं स्ट्राइकिंग की ओर। तो सबसे पहले तो देखो, स्ट्राइकिंग सेक्शन में मेरे को विनीकियस जूनियर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। मतलब लास्ट मैच में अनअवेलेबल था, लेकिन ये इंजर्ड नहीं है, ये लास्ट के 3 मैच कंटिन्यू नहीं खेल रहा, बट मुझे नहीं पता कि क्यों, क्योंकि फिट है भाई। कोई इंजरी होती ना तो मैं आपको बिल्कुल बोलता, लेकिन इंजरी नहीं है। इंजरी हो तो मैं आपको बताऊं, विदाउट इंजर्ड किसी प्लेयर को रेस्ट देना बेकार है, क्योंकि बंदे की फॉर्म चली जाती है। आज आप किसी खिलाड़ी को, आप आज किसी इन फॉर्म प्लेयर को 4 मैच ना खिलाओ, भले क्रिकेट भी, वो 5वें मैच में इतनी जल्दी गिरेगा ना, साफ बता रहा हूँ, खेल ही नहीं पाएगा, भले कोई भी स्पोर्ट्स हो। इसलिए विनीकियस जूनियर को फॉर्म रिमेन करनी पड़ेगी। और आर गोस की बात करें, इसका खेलना तो भाई हो सकता है, ये भी इंजर्ड नहीं है, ये भी ऑन द बेंच था, मुझे नहीं पता इसको खिलाएंगे कि नहीं। इनके दिमाग का मैं क्या जानूं भाई, मैं ले रहा हूं। और उसके बाद काइक गर्शिया को यहां पर मैं लूंगा सिमवन की जगह, मेरे को बेटर लगता है वो। एंड मिडफील्डिंग में जूड बेलिंगम के बाद द नेक्स्ट प्लेयर वो क्रूज, अगर क्रूज ना खेला देन बी दयाज, क्योंकि बी दयाज ने मेरा दिल जीता पिछले मैच में। बंदा मेरा वाइस कैप्टन था, इतना कम सेलेक्टेड प्लेयर वाइस कैप्टन रख दिया, जो कि सिर्फ 2 गोल से 124 पॉइंट्स दे गया। और मेरा वाइस कैप्टन होने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे, 175 पॉइंट तक पहुंच गया था ये, मतलब 175 के अंदर ही था। तो मैं अब इसको लूँगा क्रूज़ की जगह पर, क्योंकि दोनों में से एक ही खेलेगा। और जी जे गुरीडी को लेना ही लेना है, इसने गिरोना के अगेंस्ट 2 गोल कर दिए। गिरोना टीम सबसे फाड़ू टीम है ललीगा लीग की, रियल मैड्रिड के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है, गिरोना, उनके अगेंस्ट 2 गोल, उससे पहले 1 गोल कर चुका है सेकेंडरी लीग में, इतना बढ़िया खेल रहा है। उसके बाद रियोजा की अगर मैं बात करूं, रियोजा को खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे कि रियोजा को लास्ट मैच में एज अ सब्स्टिट्यूट बुलाया गया, लेकिन वो रेड कार्ड हैंड ओवर ही नहीं है, मैं चाहता हूँ आए, ठीक है। एंड बात करें डिफेंडिंग की, डी कारवेजल को यहाँ पर मैं अपनी मतलब टीम में लूँगा। कारवेजल के बाद द नेक्स्ट प्लेयर वॉज नैचो, ठीक है, कारवेजल का भी श्योर नहीं है बट खेल सकता है, 50-50 है। और वेस्कोस को मैं यहाँ पर लूँगा। एंड बात करें गोल कीपिंग की, तो नहीं, शिवेरा इज़ एन एवरेज प्लेयर, शिवेरा को लास्ट मैच में बुलाया नहीं, आई डोंट नो वाई, क्योंकि इंजरी इसके ऊपर चल रही थी थोड़ी बहुत, शायद चल रही थी, क्योंकि मैंने इसका इंजरी में नाम देखा था तो इसका थोड़ा बहुत इंजर्ड में नाम था, परसेंटेज भी आती कई बार, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि ये फिट हो सकता है, हो सकता है आज ना भी आए। तो 50-50 चांसेस अगर आपने ओवोनो को सेव करना कर लो। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन तो विनीकियस जूनियर, एंड वाइस कैप्टन वॉज जूड बेलिंगम, अगर ना खेला देना आर गोस, दोनों में से कोई एक। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।